हेलो डियर फ्रेंड्स, इम्यूनोलॉजी की नेक्स्ट सीरीज में जो मेरा अगला वीडियो है वो वैक्सीनेशन के कंसेप्ट पर है। किसी डिजीज़ के लिए किस तरीके से बॉडी इम्यूनिटी जनरेट करती है, इस कंसेप्ट को हम लोगों ने पहले भी देखा था। अगर पहली बार पैथोजन का अटैक हमारी बॉडी पे हो रहा है, देन बॉडी शोज द रिस्पॉन्स, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। And when the same antigen, when the same pathogen in future attacks on our body, body shows the response. This is called as secondary immune response or amnestic response. It is more fast, most intense, and most accurate. That means specific. What is the reason of this specificity? Due to the presence of memory cells in our body. अपने प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया है, जब पैथोजन हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो इमीडिएट जो सेल्स बनती हैं उन्हें प्लाज्मा सेल्स या इफेक्टर सेल्स कहते हैं, और फ्यूचर में उसी पैथोजन के लिए सेम हमारी बॉडी जो इम्यूनिटी जनरेट करती है, क्योंकि हमारी बॉडी में फर्स्ट इनकाउंटर के कारण मेमोरी सेल्स होती हैं जो इमीडिएट उस पैथोजन को आइडेंटिफाई करेंगी, उसे किल करेंगी। वैक्सीनेशन का कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है, मतलब मेमोरी सेल पर बेस्ड है। अगर वैक्सीनेशन के कंसेप्ट को हम लोग स्टार्ट करें, वैक्सीनेशन, यू नो व्हाट आई हैव रिटन हियर, अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो इनएक्टिवेटेड पैथोजन, जो पैथोजन है जब वो हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं तो बॉडी इम्यूनिटी शो करती है। व्हाट आर वी डूइंग हियर, we are injecting the pathogen in their non-virulent form. जो किसी pathogen का disease causing form है उसे virulent form, और जो disease नहीं cause करता है this is non-pathogenic, avirulent, non-virulent, अलग अलग name से आपको book में मिल जाएगा। Here I have written inactivated pathogen, that means this is not causing the disease. इस इनएक्टिवेटेड पैथोजन को ओरली या इंजेक्शन के फॉर्म में आपकी बॉडी में इंजेक्ट करवाया जा रहा है। अर्ली टाइम में पेरेंट्स अगर आप पूछेंगे तो वैक्सीनेशन के समय क्या किया गया है, इंजेक्शंस दिए गए हैं, तो जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं एक्चुअली में इंट्रामस्कुलर हैं ज़्यादातर, जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं उसमें पैथोजन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है। हम लोगों ने ओरल पोलियो वैक्सीन सुनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए कैंपेन भी चलाती है पल्स पोलियो प्रोग्राम में, जहां और जो पोलियो ड्रॉप्स है उसे ओरली दिया जा रहा, दैट मींस वैक्सीन्स को ओरली भी दिया जा सकता है या इंजेक्शन के फॉर्म में, लेकिन वो इनएक्टिवेटेड पैथोजन होते हैं, मतलब वो डिजीज कॉज नहीं करेंगे बट हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट कर देंगे, जिससे फ्यूचर में अगर कभी एक्टिव फॉर्म में पैथोजन अटैक करे हमारी बॉडी पे तो बॉडी एक्चुअल में उसके अगेंस्ट में फाइट कर सके। ये एक्चुअली में वैक्सीनेशन का कंसेप्ट है। नेक्स्ट व्हाट आई एम राइटिंग हियर, एडवर्ड जेनर, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है सर एडवर्ड जेनर को। सर एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में वैक्सीन डेवलप करी है। स्मॉल पॉक्स डिजीज, यू नो, जिस तरह से अभी से कोरोना के आउटब्रेक से इतना ज़्यादा हर तरफ फियर वाला एनवायरनमेंट है, एक समय स्मॉल पॉक्स ऐसी वायरल डिजीज थी जो जल्दी कंट्रोल में नहीं आ रही थी, बट यू नो फ्रॉम 1985 नॉट अ सिंगल पेशेंट वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम होल वर्ल्ड। 1985 से एक सिंगल पेशेंट भी पूरे वर्ल्ड में स्मॉल पॉक्स का रिपोर्ट नहीं किया गया, क्योंकि स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन डेवलप कर ली थी। How they developed, what he observed, Edward Jenner ने ऑब्जर्व ये किया कि जो मिल्क मेट्स हैं, मिल्क मेट्स, उनमें माइल्डर फॉर्म की डिजीज होती है जिसे काउ पॉक्स कहते हैं। उन्हें जब काउ पॉक्स हो जाता है तो उन्हें स्मॉल पॉक्स की डिजीज नहीं होगी। फॉर दिस वॉट ही डिड, ही एक्सट्रैक्टेड सम काउ पॉक्स वायरस फ्रॉम दैट मिल्क मेट and injected into a 8-year-old child, and after few months he injected the virus of smallpox into that child and observed that child was not infected from smallpox. तो अगर उस 8 साल के बच्चे में, 8 ईयर के चाइल्ड में स्मॉल पॉक्स का जो माइल्डर फॉर्म काउ पॉक्स था
उसके वायरस इंजेक्ट करवाने के कुछ टाइम बाद अगर स्मॉल पॉक्स के वायरस को एक्चुअल में इंजेक्ट करवाया जाएगा तो डिजीज नहीं हो रही थी। दैट वॉज शोइंग दैट चाइल्ड वॉज नाउ इम्यून फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स। इस तरह से वैक्सीन को डेवलप किया जाता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज डेवलप्ड बाई सर एडवर्ड जेनर, दैट्स वाई ही इज कॉमनली नोन एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट आई एम राइटिंग लुईस पॉस्चर। लुईस पॉस्चर ने भी कुछ डिजीज के लिए वैक्सीन से डेवलप करी, हमारे नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट यू कैन राइट डाउन इन योर कॉपी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी कॉपी में नहीं लिखोगे तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एंथ्रेक्स, कॉलरा, रेबीज, एंथ्रेक्स, कॉलरा और रेबीज के अगेंस्ट में वैक्सीन डेवलप करी थी लुईस पॉस्चर ने। नेक्स्ट आई एम राइटिंग वॉन बेरिंग। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट नोबेल लॉरिएट एंड फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर है मेडिसिन और फिजियोलॉजी के। 1901 में जब नोबेल प्राइज कमेंस हुए तो पहला नोबेल प्राइज इन्हीं को दिया गया है। फादर ऑफ पैसिव इम्यूनोलॉजी भी इन्हें कहते हैं, फादर ऑफ पैसिव इम्यूनोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वॉट ही डिड, वॉन बेरिंग ने पैसिव इम्यूनाइजेशन, डिप्थीरिया जो डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज जो डिप्थीरिया है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप कर रहे थे। तो एंटीबॉडी अगर आप डेवलप कर रहे हो तो दिस इज ऑब्वियसली द एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो सबसे पहले एंटीबॉडी डेवलप करी थी वॉन बेरिंग ने। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन। यू नो देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। वैक्सीन इज सक्सेसफुल बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी सेल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इट। फर्स्ट पॉइंट आई एम राइटिंग फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। वैक्सीन की अलग अलग जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है। इफ यू लुक एट द बोर्ड इन फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, द फर्स्ट पॉइंट आई एम राइटिंग इन एक्टिवेटिंग द होल पैथोजन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में जो पैथोजन है, पूरा कंप्लीट पैथोजन जो डिजीज कॉज करता है, उस कंप्लीट पैथोजन को हम इनएक्टिव कर देंगे, मतलब वो डिजीज कॉज नहीं करेगा अगर आपकी बॉडी में एंटर करेगा। इनएक्टिवेटिंग द होल पैथोजन, हाउ कैन इट बी डन, देयर आर डिफरेंट प्रोसीजर। फर्स्ट आई एम राइटिंग लाइव एटीन्यूएटेड, यस लाइव यू नो मतलब अभी वो सर्वाइव कर रहा है। एटीन्यूएटेड, एटीन्यूएटेड का मतलब है कि जो पैथोजन है वो लिविंग तो है लेकिन इतना वीक हो गया है कि वो डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। आपकी बॉडी में जब इस पैथोजन को इंजेक्ट करवाया जाएगा तो डिजीज कॉज नहीं करेगा लेकिन आपकी बॉडी में मेमोरी सेल्स को स्टिमुलेट करेगा जिससे मेमोरी सेल्स फॉर्म हो जाए और फ्यूचर में अगर एक्चुअल पैथोजन का अटैक हो तो आपको डिजीज ना हो। तो आई एम राइटिंग लाइव एटीन्यूएटेड। तो आपको एटीन्यूएटेड का मतलब पता होना चाहिए कौन कौन सी वैक्सीन इस कैटेगरी में आ रही है। आई एम स्पीकिंग ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पल्स पोलियो प्रोग्राम में ओरली जो वैक्सीन देती है वो लाइव एटीन्यूएटेड है, मतलब लाइव है लेकिन वीक है। और अगर उसका बायोलॉजिकल नेम देखोगे तो सबीन, SABIN, सबीन ओरल पोलियो वैक्सीन का नाम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वाया यूज किया जाता है पल्स पोलियो प्रोग्राम में। सेकंड BCG, बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन। आई एम राइटिंग हियर इफ यू हैव प्रॉब्लम, बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन, GUERIN। सबको मालूम है BCG की वैक्सीन किसके लिए यूज करी जाती है, TB के लिए। इस समय न्यूज़पेपर में, मीडिया में भी बहुत ज्यादा है कि जिनको BCG की वैक्सीन दी गई है चांस है कि उन्हें शायद कोरोना ना हो, लेकिन रिसर्च अभी इस चीज को सपोर्ट नहीं करती है। हमारे इंडिया में बहुत पहले से ही बेबी के बॉर्न होते ही सबसे पहले जो वैक्सीन दी जा रही है उसमें BCG है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, इमीडिएटली ये दी जा रही है। स्मॉल पॉक्स बहुत पहले से इंडिया में दी जा रही है। इन्फ्लुएंजा,
तो इन्फ्लुएंजा भी किसका एग्जाम्पल, लाइव एटीन्यूएटेड। सेकेंड आई एम राइटिंग किल्ड, मतलब इन पैथोजन को किल कर दिया गया, ये लाइव नहीं है, किल कर दिया गया। कैसे किल करोगे, हीट किल्ड, ज्यादा टेम्परेचर पे अगर आप पैथोजन को रखोगे तो किल्ड हो जाएगा। कोरोना वायरस के लिए भी जैसे कह रहे हैं कि इंडिया में टेम्परेचर ज्यादा ट्रॉपिकल रीजन में, जैसे जैसे 42 या 40 प्लस टेम्परेचर में जाएगा तो वायरस सर्वाइव नहीं करेगा, लेकिन हर पैथोजन के लिए ये ट्रू नहीं है, इसलिए रिसर्च का टॉपिक है। लेकिन जिन पैथोजन को हाई टेम्परेचर पे किल्ड किया जा सकता है उनकी वैक्सीन अवेलेबल हैं, जैसे टाइफॉइड कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया, यस कमेंट सेक्शन में आपको बताना है या मुझे व्हाट्सएप करना है। साल्क पोलियो, साल्क पोलियो वो वैक्सीन है जिसे इंजेक्शन के वाया दिया जाता है। कॉलरा कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलरी, रेबीज, प्लेग, ये सारी किल्ड है। नेक्स्ट है टॉक्सोइड। टॉक्सोइड हम लोग ऐसे प्रोटीन को कहते हैं जो केवल इम्यूनिटी आपकी बॉडी में जनरेट करेगा लेकिन डिजीज कॉज नहीं करेगा। कौन कौन से टॉक्सोइड वैक्सीन है, डिप्थीरिया और टिटनेस। डीटी के फार्मूले से याद रहना चाहिए आपको, डिप्थीरिया और टिटनेस। डिप्थीरिया कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया, टिटनेस इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है फिर से। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ डीपीटी और एमएमआर, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है। दैट मींस 3 एंटीजन को एक साथ आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है। डीपीटी का फुल फॉर्म और एमएमआर का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। डीपीटी और एमएमआर ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है जिन्हें एक साथ दिया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट दी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जिसमें पैथोजन को किल्ड करके, एटीन्यूएट करके उसके प्रोटीन पार्ट को आपकी बॉडी में इंजेक्ट कराया जा रहा है। इन अ प्रेजेंट सिनेरियो वी आर टॉकिंग अबाउट दी सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। दिस इज डेवलप्ड बाई RDT, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। क्लास 12 के सिलेबस में बायोटेक जब हम लोग डिस्कस करेंगे देन आई विल टेल यू अबाउट दी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। RDT टेक्निक से हम लोगों ने हिपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रिपेयर करी है ईस्ट से। हिपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रिपेयर करी है किस होस्ट सेल से, ईस्ट से। एंड नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन, जी मतलब जनरेशन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। एग्जाम्पल जो इस कैटेगरी की वैक्सीन आती है DNA वैक्सीन। DNA वैक्सीन मतलब ये वैक्सीन पूरी केवल जेनेटिक मटेरियल DNA से बनी है। इट हैज हाई पोटेंसी, इट इज द लेटेस्ट वैक्सीन, इवन यूरोपियन कंट्रीज में भी अभी इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इनके ऊपर रिसर्च चल रही है। अगर ये वैक्सीन स्टार्ट हो जाएंगी तो दे आर हाईली स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर पैथोजन। दे आर कोडिंग दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ DNA विच इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू जनरेट इम्यूनिटी इन अ पर्टिकुलर पर्सन। सो दिस इज द थर्ड जनरेशन वैक्सीन और DNA वैक्सीन। तो वैक्सीनेशन के बारे में इतने बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगेन आई एम सेइंग हर चीज़ को आपको कॉपी में लिखना है, जो चीज़ ना पता हो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। और एग्जाम्पल याद रखने हैं लाइव एटीन्यूएटेड, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सोइड, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। वैक्सीन का जो कंसेप्ट है वो मेमोरी सेल पर बेस्ड है। आई होप यू पीपल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।